वयोवृद्ध लोकांना टार्गेट करून त्यांची दिशाभूल करून ATM बदलवून पैसे लुबाडणाऱ्या टोळीला अंबाझरी पोलिसांनी अटक केली आहे. ही आंतरराज्यीय टोळी असून त्यांच्याकडून 117 ATM जप्त केले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार वेगवेगळ्या शहरात जाऊन वयोवृद्ध लोकांना ही टोळी टार्गेट करत होती. वयोवृद्ध लोक ATM मशीनमध्ये पैसे काढायला गेले असता पैसे निघत नाही, मी काढून देतो सांगून त्यांना ATM पिन माहीत करून टोळी त्यांचं ATM बदलवण्याचं काम करत होती. वेगवेगळ्या सिटीतून अंदाजे 40 ते 50 लाखाची आर्थिक फसवणूक केल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. यात पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून एक फरार आहे. पोलीस स्टेशन अंबाझरी के एरिया में रविनगर SBI बैंक का ATM है. वहां पे सुबह 7:15 में 16/8/2024 को एक सीनियर सिटीजन उम्र 72 साल वो वहां पे पैसा निकालने के लिए गए थे. तभी उनको पीछे से आए हुए एक आदमी ने उनको अंदर से पैसा नहीं निकालते ऐसा बहाना बताकर आप पैसा निकालो और उनको मदद करने के बहाने उनका ATM का पिन मालूम किया और ATM एक्सचेंज किया. और जब वो घर पे गए थोड़ा देर में उनको उनके मोबाइल में 90,000 रुपया टोटल ट्रांजैक्शन होने का मैसेज आया. तभी वो तुरंत पुलिस स्टेशन आया और हमको मालूम दिया. तब हमने तुरंत FIR रजिस्टर किया और DP पतंग और हमारा साइबर टीम इनको अलर्ट करके वो घटनास्थल पे जाके वहाँ के CCTV कैमरेज मालूम किया. तभी हमको एक सस्पेक्टेड 4-व्हीलर गाड़ी मिली. उसमें उनका नंबर और उनका मोबाइल नंबर ट्रेस करने के बाद में हमको फ्रेंड्स कॉलोनी से वो पैसा निकाला था ऐसा मालूम किया. वो मोबाइल नंबर का लोकेशन ट्रैक करते हुए हमारी टीम माननीय पुलिस आयुक्त श्री रविंद्र सिंगल सर और DCP राहुल बंदे सर इनके आदेश के मुताबिक पूरी टीम उनको ट्रैक कर रही थी. तभी वो उनका लोकेशन जबलपुर हाईवे मालूम पड़ा. बाद में दूसरे दिन MP में थे और टीम हमारी जब उनका पीछा कर रही थी तभी वो प्रयागराज तक पहुंच चुके थे. तभी हमारी टीम ने उनको दूसरे एक ATM में वहां पे प्रयागराज के एक ATM में ऐसे एक ग्राहक को उनकी गुमराह करके ATM एक्सचेंज करके पैसा निकालने के रेड हैंड में उनको पकड़ा है. और इसमें से 3 आरोपी हमने अभी ताबे में लेके पुलिस कस्टडी में है और उनके साथ में हमने 2 4-व्हीलर कार भी हमने बरामद किए हैं. कुल मिला के इसमें से 3 आरोपी 4 मोबाइल और 2 4-व्हीलर और 117 ATM कार्ड अलग अलग बैंकों के हमने बरामद किए हैं और कुछ 4-4.5 हज़ार रुपया कैश ये भी हमने बरामद किया है.